राधे राधे फ्रेंड्स, पूनम बच्चा लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 15 जनवरी 2023 और हर साल 14 या 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य भगवान उत्तर दिशा में बढ़ने लगते हैं। इस दिन से लेकर रातें छोटी हो जाती है, दिन बड़े हो जाते हैं और ठंड भी काफी हद तक कम हो जाती है। किसानों के दृष्टिकोण से भी मकर संक्रांति का बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि नई फसल आई होती है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है और इसका दान भी किया जाता है। तिल गुड़ से बनाई हुई मिठाइयाँ, रेवड़ी, लड्डू और खिचड़ी का दान किया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है इस दिन। इस दिन खास तौर पे सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। छोटे बच्चों से सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। तिल मिले जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति से लेकर रथ सप्तमी तक सुहागन महिलाएं अपने घर में हल्दी कुमकुम का फंक्शन रखती है। सुहागनों को आमंत्रित करके उन्हें सुहाग की या इस्तेमाल की वस्तुएं भेंट करती है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज होता है। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैंने अपने घर पे मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाया, मैंने भोग में क्या क्या लगाया, हल्दी कुमकुम का फंक्शन कैसे रखा, वान में क्या क्या दिया, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन हर साल हम गौशाला जाते हैं। इस साल भी हम गए थे। गौ माता की पूजा करके अपने हाथों से बनी हुई तिल गुड़ की रोटियाँ उनको हमने खिलाई, ताज़ा चारा और फॉडर उनको खिलाया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बेटा बहुत एंजॉय करता है मेरा। मैं हर साल उसे भी ले जाती हूँ अपने साथ गौशाला। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन इस तरह से तिल गुड़ के लड्डू बनाते हैं। साथ में हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तिल गुड़ की चपाती भी बनती है। और ये है मेरा सिंपल सा हल्दी कुमकुम का डेकोर। इस तरह से फ्लोटिंग दियो और फूलों से मैंने घर को सजाया है। और फ्रेंड्स, ये है घर के एंट्रेंस पे मैंने एक सिंपल सी रंगोली और माँ लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाए हैं और दिया रखा है। मैंने हल्दी कुमकुम के वान में महाराष्ट्रीयन नत भेंट की थी अपनी सहेलियों को। बहुत ज़्यादा उन्हें ये पसंद आया मेरा वान। साथ में है हल्दी कुमकुम का करंडा और इत्रदानी। और फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सा बैकड्रॉप आप आसानी से अपने घर पर रेडी कर सकते हो। काफ़ी फेस्टिव लुक आता है इससे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा गाजर का हलवा बन रहा है। विंटर सीजन में गर्मा गर्म ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ गाजर हलवा मिल जाए तो क्या बात है, की तो बात ही निराली होती है। साथ में बन रही है पाव भाजी और हरा भरा कबाब। तो ये था मेरा संक्रांति हल्दी कुमकुम का मेन्यू। आप देख सकते हैं हरे भरे कबाब हैं, इमली सौंठ की चटनी है, पाव भाजी, सैलेड, तिल गुड़ के लड्डू और गजरेला। क्या था ये? तिळगुळ ले लो, नहीं तिळगुळ घ्या मतलब तिळगुळ ले लो, गोड़ गोड़ बोलो मतलब मीठा मीठा बोलो, माझा तिळ सांडू नका मतलब मेरा तिळगुळ नीचे गिराव मत, माझ्याशी भांडू नका मतलब मुझसे झगड़ो मत, मीठा मीठा ही बोलो, मीठा खाओ और मीठा मीठा बोलो। अच्छा अच्छा आशीर्वाद दे दो, और बहुत आगे बढ़ो। चल करना मुझे।
और ये है मेरी प्यारी सहेली वर्षा, जिसने इस सारे इवेंट को अपने लेंस में कैप्चर किया है। फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं और मेरी कुछ वर्किंग फ्रेंड्स के लिए मैंने शाम को उनकी छुट्टी के दिन भी हल्दी कुमकुम रखा था, तो ये उसकी कुछ पिक्स हैं। और फ्रेंड्स, उस दिन का मेरा हल्दी कुमकुम का मेन्यू था मिक्स वेज कटलेट, साथ में थे वेजिटेबल पनियारम यानी अप्पे, नारियल की हरी चटनी, इमली सौंठ की चटनी, तिलगुल के लड्डू और गाजर का हलवा। फ्रेंड्स, संक्रांति के एक दिन पहले महाराष्ट्र में भोगी का त्यौहार मनाया जाता है। नई फसल से उस दिन तिल लगी बाजरी की भाकरी बनाई जाती है और विंटर वेजिटेबल्स को यूज़ करके एक मिक्स वेज यानी भोगी की भाजी बनाई जाती है। तिलगुल की चपाती है, तिल की चटनी है, तिलगुड़ के लड्डू है। नॉर्थ इंडिया में भोगी के दिन लोहड़ी का फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम यहाँ पे मोहाली में यानी पंजाब में रहते हैं, तो लोहड़ी का फेस्टिवल भी हमने सेलिब्रेट किया अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपने आज का मेरा ये मकर संक्रांति स्पेशल ब्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा। आप अपने यहाँ पर मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाते हैं ये मुझे कमेंट करके लिखना ना भूलें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट कर दे। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे भी फ्री में सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप अपने फीडबैक और सजेशंस भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग अपलोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।